अभी अगर ये जो अभी जो पीरियड चालू है, अभी इसको बोलते हैं ना अनिश्चितता का काल है, तो हो सकता है कि आने वाले दिनों में हमारे जो क्लासरूम ट्रेनिंग है वो ऑनलाइन में करना पड़े। तो फिर उसके बाद हमने ये भी डिसाइड कर दिया कि इसी 21 दिन के अंदर, इनफैक्ट इसी एक हफ्ते के अंदर, हमारा जो मेन प्रोग्राम है गुरुकुल, इसको हम लोग ऑनलाइन कर देंगे। अब ऑनलाइन करना है तो एक आदमी जिम्मेदार होगा, और हमने बना दिया बर्नेडिट फर्नांडिस को उसका जिम्मेदार बना दिया, बोले इसको तूने ऑनलाइन करना है। अभी जिसका भी हेल्प लेना है, मेरा हेल्प लेना है, दूसरे कलीग्स का हेल्प लेना है, कंटेंट वाले का हेल्प लेना है, तो ये ऑनलाइन कर रहे हैं। तो जितने भी प्रोग्राम्स थे हमारे जो ऑफलाइन थे, उसको ये पीरियड में हम लोग ऑनलाइन कर रहे हैं। अब उसको करने के लिए जो एक मार्केटिंग एजेंसी, डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी, और जो वेबसाइट बनाने वाला एजेंसी और सीआरएम बनाने वाला एजेंसी है, तो हमने ये जो तीन जन जो थे लीडर्स, उनको बोल दिया कि भाई आपको अलग अलग लोगों से मिलना है, उनसे मेल लेना और उसको पक्का करना है। पक्का करके, ख़त्म करके, सील करके, कॉन्ट्रैक्ट साइन करके आपको आगे बढ़ना है। आपको, हमारे को तो धंधा चलाना ही है ना, अगला 100 साल तो, 200 साल, 300 साल ये कंपनी तो रहने वाली है। तो हम तो डिसीशन ले रहे हैं, जैसे कि बढ़िया टाइम आने वाला, बढ़िया टाइम नहीं आया तो उसके बाद बैठ के देखेंगे, लेकिन हम लोग मेजर डिसीशंस अभी ले रहे हैं, सभी चीज़ों को ऑनलाइन करने के बारे में कर रहे हैं। फिर हमने जो हमारे प्राइसिंग पॉलिसीज है उसके ऊपर हम लोगों ने देखा, हमने कहा कि अगर 6 महीने के बाद प्रोग्राम हो रहा है, तो अगर प्रोग्राम 10 रुपये में मिलने वाला है, तो क्यों ना हम कस्टमर को वो 5 रुपये में अभी, 6 रुपये में अगले महीने में, 7 रुपये में अगले महीने में, 8 रुपये में अगले महीने में, 9 रुपये में अगले महीने में, और 6 महीने के बाद वो 10 रुपये में देवे। तो एक प्राइसिंग का जो है, इन्वेस्टमेंट का जो एक पॉलिसी जो हमारे कंपनी में था नहीं, तो ये हम लोगों ने एक कर लिया। और हमारे अलग अलग प्रोग्राम्स आ रहे हैं, जैसे वसूली बोल के कलेक्शन का जो प्रोग्राम आ रहा है, और आप सब लोगों को बम्बई में वसूली प्रोग्राम हो रहा है अगस्त में, और अभी मई में मेरे ख्याल से राजकोट में होने वाला है। आप सब लोगों को इंडिया में जाके वसूली का प्रोग्राम में जाके बैठ जाना चाहिए, क्योंकि जैसे ही ये लॉकडाउन खुलेगा, लोग पैसा नहीं देने वाले, लोग बोलेगा देखो अभी तो पहले ही वो पैसा 3 महीने का, 6 महीने में दे रहे थे, अभी तो ये कोरोना का नाम लेके लोग पैसा और नहीं देने का कार्यक्रम चलाएंगे। एंड देयरफॉर आपके वसूली करने की जो एबिलिटी है, आपका पैसा को कलेक्ट करने की जो एबिलिटी है, आपका जो पैसा वक्त के पहले लेने का जो कलाकारी है, ये आपको डेवलप करनी है। तो हमारा 1 डे का प्रोग्राम है जो हमारे अलग अलग कलीग्स लेते हैं अलग अलग सिटीज में, तो वो प्रोग्राम जो है वसूली का प्रोग्राम में आप जाके उस पर बैठिए, क्योंकि आने वाले दिनों में आपका पूरा जो डायलॉग है वो पूरा बदलना पड़ेगा। लोग आपको बोलेंगे अभी तो बहुत प्रॉब्लम चल रहा है, अभी तो पैसे नहीं है, तो आप क्या डायलॉग मारेंगे, आपके लोग क्या डायलॉग मारेंगे। तो ये वसूली का जो प्रोग्राम है वो प्रोग्राम के साथ हमने ये प्राइसिंग का डिफरेंशिएशन किया हुआ है। इसी तरह से हमने, पहले हमारा शॉर्ट प्रोग्राम कम होता था, अभी 2 दिन का प्रोग्राम लॉन्च किया है, ऑटो पायलट, द जर्नी टू बिल्ड एन ऑटो पायलट ऑर्गेनाइजेशन, ये दिल्ली में हो रहा है, अभी बम्बई में हुआ था, अभी फिर बम्बई में होने वाला है, यही प्रोग्राम राजकोट में, अहमदाबाद में, और हमारे सूरत में, और दिल्ली में, सब जगह ये प्रोग्राम होने वाला है। तो जस्ट शॉर्ट प्रोग्राम, तो शॉर्ट प्रोग्राम लॉन्च कर रहे हैं ताकि लोगों को इन्वेस्ट करने में आसानी हो जाएगी। अगर 4 लाख अभी नहीं दे सकते तो कम से कम 30,000 रुपया तो लोग आदमी दे सकते हैं, तो शॉर्ट प्रोग्राम का भी हम लोगों ने बंदोबस्त किया हुआ है।